Thank you.
एक्चुअली कैन कॉल यू नो, मेरे को लगता है कि जो लोग पोस्ट फ्लॉप खराब खेलेंगे उनके अगेंस्ट आई कैन जस्ट VPIP 100% रेंज एंड ही सिक्स एक्सेस एंड वर्सेस सिक्सेस वी हैव अ वेरी इजी फोल्ड. रमन सेज हैड अ नाइस डे कंपेयर टू दिस होल मंथ. नाइस नाइस रमन जी जी. क्रिटॉस शॉर्ट हो गया है. क्रिटॉस ने चार्टर भी लिखा था सॉरी सर वाई सो एग्रो. यार मेरा फ्लश लग गया था रिवर पे. आई हैड टर्न पे मेरा पेयर प्लस फ्लश ड्रॉ था बट गुड फोल्ड आई गेस. पोकाकू से कांट हियर यू. इज माइक ऑन भाई? पोकाकू माइक चल तो रहा है गाइस. पोकाकू से हाय सॉरी जी जी एंड गुड लक पोकाकू. वेलकम एंड थैंक यू. ये OBS मेरा कह तो रहा है कि माइक चल रहा है बट चैट कह रही है कि माइक नहीं चल रहा है गाइस. मैं चैट ने पूछता हूं एम आई क्वीन थ्री सूटेड. क्वीन थ्री सूटेड इज क्लोज. पूरी चैट के साथ मैंने मजे ले लिए क्योंकि इट वॉज इंटेंशनल गाइज. माइक पूरा टाइम अनम्यूटेड था और मैंने जान के थोड़े से हिंट्स डाले चैट में. मैं बीच में खांसा कि मेरी खांसी सुनाई दे बट मैं जान के ऐसे अपना लिप्स मूव कर रहा था यू नो कि बट कई लोग तब भी नहीं समझ पाए यू नो. फिर अभी मैंने चैट में पूछा कुड यू हियर मी कफ एंड पीपल आर लाइक हाँ खांसी की आवाज तो आई बट तुम्हारी आवाज नहीं आई तो लोग समझ नहीं पा रहे. फक गाइज आई एम सॉरी. ये एक छोटी सी प्रैंक थी मैं देखना चाह रहा था कोई पकड़ पाएगा कि नहीं बट आज मैंने सबको फंसा लिया. आई एम अ बैड गाय. किसी ने कोई ब्लफ किया आज कैसे? सब लोग सोचे सॉरी इनोसेंट गाय यार. सॉरी का पक्का माइक म्यूटेड होगा. कोई ये नहीं सोच पाया कि सॉरी ब्लफ भी करता है. सॉरी की इमेज आई थिंक गुड बॉय की इमेज है. नोट्स सबको चेंज करने पड़ेंगे. मैं ब्लफ कर रहा था गाइज. स्ट्रीम में कोई नहीं पकड़ पाया. कम ऑन कम ऑन. आरएन रेजेस एस नाइन ऑफ. अरोड़ा साहब वेलकम सेज गुड नाउ गुड लक फॉर टुडे ब्रो. थैंक यू सो मच अरोड़ा साहब वेलकम. एस नाइन अपन करेंगे कॉल. आरएन के अगेंस्ट टॉप पर लगाएंगे एंड बैकडोर स्ट्रेट ड्रॉ भी है तो हो सकता है स्ट्रेट भी लगा लें. अभी पता नहीं. लेट्स सी इफ आरएन हैज एनीथिंग बेटर देन एस नाइन देन अपन स्ट्रेट लगा लेंगे. एंड अगर आरएन के पास पॉकेट क्वींस पॉकेट किंग्स है देन बस हम आरएन को रोकना है अपना इंप्रूव होने से रोकना है यू नो. स्ट्रेट लगे ना लगे इज फाइन. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. Iron bets 40%. We are going to call. Do we raise? Nope. Return the queen. We are going to check again. आज मैंने सबकी मुर्गी बना दी है. सबकी मुर्गी बना दी. कोई पकड़ ही नहीं पाएगी. ये सलेट म्यूट नहीं है. Gonna check the turn. टर्न से ऑलरेडी काफी क्लोज होने वाला होगा. इफ आरएन डिसाइड्स टू बेट ओलोई ड्रेक वेलकम अरोड़ा साहब. आर्यन जय फेरो पोकाकू 1108 रमन 581 दिस इज गोना बी एन इजी कॉल.
ओके अपना एस गुड है, क्या था रन के पास? RN picks up showdown and we managed to evade the deuce. And a save. Oh, bhai, turn bhi to open ender ho gaya tha. Okay. Sodi ko outdraw karna mushkil hai. Bahut hi mushkil hai. Ye banda UTG se tank mein hai. He is trying to think, do I want to open my 7-5? Small blind mein Sodi hai, big blind mein सागर पुपुल ने एक हैंड खेला जिसको अपने को आई थिंक देख लेना चाहिए. अपना भाई क्रिटॉस अगर देख रहा है तो उसकी बैट बीट दिखा देते हैं. सागर पुपुल 3x, क्रिटॉस जैम्स एस जैक एंड किंग 4 कॉल्स एंड हिट्स द नट्स. पेन प्राइडी से सेकंड प्लेस फॉर यू पापा. सॉरी यार मेरा दिन है. कम ऑन ब्रो आर्यन, ये डील है क्या? आर्यन ने गाइस कह दिया कि आज अपने को सेकंड लेना पड़ेगा बिकॉज आर्यन इज टेकिंग फर्स्ट. ठीक है, वी आर्यन को दे देते हैं. आई थिंक वील टेक द हायर रोल. ओके हायर रोल में आर्यन कैन टेक सेकंड, वील टेक द फर्स्ट. एंड अपर कट में लेट्स गिव आर्यन द फर्स्ट प्लेस. 10-9 सूटेड यहां पे. स्टार्ट विद अ कॉल. Queen Jack 9 is a very good board for the small blind. We are going to start with a check. Not a check all this time. Kabhi kabhi ise check raise bhi kar sakte hain. Is bar we are going to check call. And I'm gonna lead the turn. Oops. Sorry about that. Yahan pe we called 10-9 suited in the small blind. RN ne 3.5x open kiya tha. And flop pe RN C bets, we call turn, we lead RN calls, on the river it's close. Do I want to bet, do I want to check? I think yahan pe bluffs dhoondna RN ke liye bahut mushkil hoga, so I'm gonna make a small over bet. आर्यन को मेरे रेंज में ब्लफ्स ढूंढने में बहुत मुश्किल होने वाली है. ओह ये जैम्स, दिस इज लाइकली गोना बी जैक्स. आई थिंक जैक्स है या वी माइट जस्ट गॉट माइट हैव गॉटन सुपर अनलकी विद मे बी कॉर्ड्स. आई थिंक फुल हाउस इज द लाइकली जैम. यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है ब्लफ्स होना, बट वेरी इजी फोल्ड. एक बार रिप्ले कर दूंगा हैंड बिकॉज ये मैं रीप्लेयर पे रख के खुद से ही बड़बड़ाने लग गया था. सो 3.5x ओपन हुआ. वी कॉल एंड फ्लॉप. क्या साइज है ये? दिस इज रफली 65-60 मे बी. सो 65 कॉल. 3.5 के बाद जब 65 है तो हिज रेंज इज गोना बी चेकिंग दिस टर्न अलॉट. सो ऑन दिस टर्न वी शुड बी लीडिंग फॉर स्मॉल साइजेस अलॉट. That's what we do. And on this club river, I think I have a lot more flushes. I have a lot more queen jacks. I have a lot more straights. So yeah, I think I overpot. Kafi decent blocker hai. We block some pocket nines. We block one combination of king 10, which will likely call. We blocks one combination of queen 10 suited, which will call. And we cut down on two combinations of pocket nines. Like, agar hamare paas nine blocker na hota to RN can have three combinations of pocket nines. Now RN can only have one. And we also cut down on one combination of queen nine suited. So pretty good hand, pretty good blocker to
Aryan's snap calling range, but then Aryan finds a jam. I am very interested to see. Pokaku says, I think he's bluffing now. Fuck. अभी यहाँ तो लेवलिंग और हो गया. पोकाकू कह रहा है कि भाई म्यूटेड ही था, सॉरी अब झूठ बोल रहा है. बट अगर पोकाकू म्यूटेड था तो खांसी कैसे आएगी, खांसी कैसे सुनाई देगी भाई. सो आर एन फाइंड्स जैम. आई बिलीव दिस इज आर एन कैन प्रॉब्ली टेल अस क्या था. मे बी क्वीन जैक सूटेड, हार्ट्स और स्पेड्स, दो कॉम्बो वो हैं, देन तीन कॉम्बो ऑफ पॉकेट जैक्स हैं, एक कॉम्बो ऑफ पॉकेट नाइन्स है. तो Aryan has to have, yeah, in पांच hands में से एक hand होना चाहिए. Likely बहुत thin chance ये है that he might have ace king or ace ten of clubs, but I don't think बहुत ज़्यादा frequency में वो होने वाले हैं. पोकाकू अभी भी नहीं मान रहा, पोकाकू snap call कर रहा है, कह रहा नहीं ये तो sorry झूठ बोल रहा है, ये sorry bluff कर रहा है. भाई अब मैं कैसे बताऊं, गुड लीड एंड इजी फोल्ड. Small blind का limp and deuce five suited, we are gonna check. I think ये board भी ऐसा board है कि हमें check raises ज़्यादा पड़ेंगी नहीं. तो with pairs we can bet small and with draws we can bet big. ज़्यादा check raises पड़ेंगी नहीं. Excuse me. Under has limped. I think I'm just gonna fold. I don't cover anyone. 9-3 is gonna play pretty poorly. And up to easy fold ho gaya. Now it becomes an easy fold when that guy raises. Aaj maine stream mein bahut logon ko bluff kar diya, batao. Table se pehle hi sorry bluff kar raha hai. Sorry guys, main umeed kar raha tha ki kuch log mere ko pakad lenge, but sab ke sab कि रीड सॉरी पे गलत निकली. सब सोच रहे हैं सॉरी टाइट है, सॉरी यहाँ ब्लफ कर रहा है बैठ के, बताओ. बिल्कुल टाइट नहीं है सॉरी, ये बात प्लीज ध्यान दें, इस बात का ध्यान दिया जाए कि सॉरी टाइट नहीं है. आर्यन क्या था ब्रो, कैन यू टेल मी कि ब्लफ था वैल्यू था. अगर वैल्यू था तो आई थिंक जो 6-7 कॉम्बो की मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं में से होने वाला है. पांच कॉम्बो ऑफ फुल हाउसेस एंड देन दो कॉम्बो ऑफ मे बी स्ट्रेट्स, तो या उन 7 कॉम्बिनेशंस में ही कुछ होगा. अगर वैल्यू, अगर ब्लफ है तो बहुत बैड एज ब्लफ हो सकता है, मे बी विद एस किंग विद एस इन क्लब. अच्छा पॉकेट नाइन्स का भी एक कॉम्बो है, सो दैट बिकम्स 8 एंड क्वीन नाइन सूटेड का, क्वीन नाइन सूटेड हो ही नहीं सकता. या क्वीन नाइन सूटेड इज नॉट पॉसिबल, यू नो. तो 8 कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू के हैं वहां पे, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ कॉलिंग वंस Aryan जैम्स. ये और रिवर का साइज भी आई थिंक डिबेटेबल, अपन डिबेट कर सकते हैं कि डू यू व्हाट साइज वी वांट टू पिक. आई थिंक वी जस्ट वांट टू गो बिग. आई गेस वी आर लिनियर, आई गेस वी आर पोलर ऑन द रिवर, नॉट लिनियर. Boats, very strong queen x's. Some queen x's can also go into a swing. I think on this river we have to play 2 sizes. Straights and queen x's can go like 85-90% pot, and full houses and the strongest flushes can pick this one, and then of course balance the bluffs. I mean straights and trips can go for a small size. Yeah, this is the river where we will split our range, I guess. Hona chahiye tha. Yeah, kafi interesting hand hai. Is hand ko mark karta hu yaar, kya beautiful hand tha.
एक चीज इसमें और मैटर करती है कि आरन की 3.5x इन रेंज क्या है यहाँ पे. आरन सिर्फ डेथ बाय कॉर्ड्स है और कॉर्ड्स ही थे क्या आरन में. फक फक कॉर्ड्स ही थे गाइस आरन में बच गए अपन. कोई गाइस रिवर अगर फकिंग किंग या एट आती तो लग गए होते बॉस. आरन सिर्फ डेथ बाय कॉर्ड्स ऑलमोस्ट हो गया था वो रिवर गलती से अट्ठी है किंग आ जाती हो. फक बच गए अपन. नाइस हैंड आ रहे नाइस हैंड सिक बच गए हमें यार. अगर किंग और एट आती तो मैं बेचारा देता हुआ जाता पूरा स्टैक. फक नैरो एस्केप नैरो एस्केप. मोर वीपीआईपी दिस हैंड 6-7 ऑफ वर्सेस सागर पुपुल. Very good ball for the out of position player. Very good turn for me again. I should be checking back a lot. Once I pick showdown, I'm not gonna bluff. एट्स को थ्री बेट करेंगे यूजली. दिस टाइम इट विल बी अ थ्री बेट. Great board for the out of position player. Yahan pe we are going to be playing a very small size. Usually this bar we are going to go a little bigger. Excellent turn for my range. And on the river, dodging the bullets. Dodging bullets की range में यहाँ पे कितने ace x's हैं? Is what are the kind of hands he is calling on the turn? I think इसके range में pocket 5's, pocket 6's अभी भी हैं, which if I check won't bet. Some ace x's of spades हैं. I think check calling is gonna be better. Really close spot though. जैम बेटर है कि चेक कॉल बेटर है इज द क्वेश्चन. ऑफ कोर्स इस एसपीआर पे चेक फोल्ड करना. ही कैन हैव एस जैक एस क्वीन इन स्पेड्स बट आई अज्यूम वो हैंड्स आर लाइकली गोना फोल्ड द टर्न यू नो. इंटरेस्टिंग साइज दिस इज फक. I don't know what this size basically means. Cords hain to this is okay. Ba ayya ayya ayya. Pocket fours ho sakta hai right? Yeah. I'm just not sure. Ace queen okay. Calls the turn with ace queen. Man, that's a brutal one. That's a very very brutal one. Thank you.
I mean, क्या प्लान है रिवर्स पे क्या करने का? Like on the best river you are making 15 big blinds more. Best river पे 15 big blind बना रहे हो आप? तो what are you doing on other rivers? Are you just calling? Sucks guys, I don't know. Can I get to fold very bad? 15% pot ke against. Like yahan pe of course I have quads for sure. I don't know. Maybe I check turn with quads. Definitely check. A lot of quads on the turn. I have all the pocket queens, all the pocket jacks, all the pocket tens. Pocket aces is gonna likely check the turn. So 6 combo of queens, 6 of jacks, 3 of aces, 6, 12, 3, 15, tens, 21, 9, 27, both combinations hai. Uske baad king queen suited, which is 1. UDG 2.5x as we call. So, both interesting. Yeah, but these combination of hands I have which are better than. Clear jam. If he has ace x of clubs, he's not gonna be able to fold when I jam. Ab bet karke, he's like, oh, ab kya karun? Oh, oh, oh. Gets wrecked. So, yahan pe 30 combo isse better apne paas hain. तो इसका मतलब ये है कि when we face a big bet we might get to fold, okay? Because 8 से पहले we have to figure out उन combo में से हमें कुछ call ढूंढनी चाहिए instead of trying to get down to 8. So I think versus 3x ace 10 gonna call. बहुत इंटरेस्टिंग स्पॉट है गाइस, उस पर और अपन बात करेंगे. फ्लॉप वी आर गोइंग टू चेक. इजी फोल्ड. कमिंग बैक टू एट, सो यहां पे वर्सेस बिग साइज आई थिंक इट्स गेट्स टू फोल्ड इन थ्योरी. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन ही बेट्स दिस साइज इन गेम व्हाट डू वी थिंक, इज द पॉपुलेशन ऑलवेज बेटिंग दिस साइज विद. गोना बी जैमिंग गाइस यहां पे. अगर PSKO नहीं होता तो वी कैन कॉल. PSKO में ही विल नेवर फोल्ड, स्पेशली विद दिस स्टैक साइज ही वोंट बी एबल टू फोल्ड हैंड्स लाइक किंग जैक, किंग क्वीन ऑफ. सो वी आर डूइंग डिसेंट वर्सेस दिस कॉलिंग रेंज. सो यार हैंड पे हैंड ही आते जा रहे, अपन उस स्पॉट की बात ही नहीं कर पा रहे. बट प्ले दिस हैंड. Gonna size up a bit क्योंकि small blind और big blind दोनों are players who have no idea about theory. So जो लोग theory नहीं खेलते वो लोग देखेंगे अच्छा short stack है तो आओ कुछ मस्ती करते हैं. So we want to punish their wide continuing range by opening for a big size.
एंड प्लीज कोई गंदा हैंड आ जाओ ओके. सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चलो व्हेन ही बेट्स 15% देन बेसिकली कोई पेयर फोल्ड करना नहीं चाहिए आई थिंक. एंड इफ ही जस्ट हैज एन एस एक्स दैट्स फाइन यू नो. अपन ने 50 बिग ब्लाइंड्स डलवाई व्हेन ही इज अहेड और 15 देना बनता है व्हेन ही इंप्रूव्ड यू नो. एंड वी कैन अज्यूम दैट इफ ही इज कॉलिंग द टर्न विद एस क्वीन ही लाइकली बिलीव्स दैट वी हैव इनफ ब्लफ्स कि ही डेफिनेटली देन बी कॉलिंग ऑल स्पेड्स यू नो. सो ही गेट्स टू द रिवर विद स्पेड्स. ये एक थियोरिटिकल स्टैंड पॉइंट है कि अगर इसके पास सिर्फ एक बेट साइज है बट अगर इसके पास रिवर पे दो बेट साइजेस हैं इफ ही इज प्लेइंग अ 15% बेट साइज एंड अ 60% बेट साइज तो यूजली जो वीकर प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने स्मॉलर बेट साइज में वैल्यू हैंड्स डाल देंगे एंड बिगर बेट साइज में ब्लफ्स डाल देंगे. तो इन एन एक्सप्लॉइटेटिव फ्रेमवर्क आई माइट गेट टू हीरो फोल्ड हैंड्स लाइक पॉकेट एट्स पॉकेट नाइन्स पॉकेट टेन्स as sick as it sounds if we have that kind of read. Abhi kya hai main tournaments khelta nahi hu so I don't know how this guy plays. Apan ne thode to hands khele iske against to know that he is okay little bit on the wider side but itna exact nahi pata ki acha iske paas in spots mein river pe ek size hai ki do size hai. Agar iske paas do size hai to apan isko exploit kar sakte hain by folding pocket 8s to pocket 10s on the river but this is really close I think like standard is to call. I'm only trying to think can I exploit him by folding. I definitely can. But fucking ugly. So fucking ugly. This is why poker is so beautiful, you know. Ki aap aise dumb fuck ki tarah khel ke bhi you win a 140 big blind pot and and then now you know yeah now you think that acha ab to ace queen is a acha player on this turn how are you calling this bet man come on like jo apne 6 outs ke alawa you are you going to call the jam on like main pretty much every river pe bluff karunga what's your plan then so, that is what makes poker so beautiful ki aap bevkoofi karke bhi you can win a big pot you can win a lot of money even when you do weird shit. I think ye hand ko 3 bet fold karna is not that great. Sagar people ne snap squeeze kar diya. I guess we fold. Arun with a 4 bet, nice. Tribal underscore knights says Jay Johar sorry KRD Tribal knights Jay Johar का मेरे को मतलब तो नहीं पता भाई मगर I am with you Jay Johar Tribal King Tribal knights says good luck bro thank you so much Tribal knights welcome Arun says I don't think Ace King can bluff on club rivers had queens there yeah I agree Ace King bluff कर नहीं सकता मेरा कहने का point ये था कि कहाँ गया हुआ एंड लेट्स फर्स्ट सी दिस हैंड एंड देन कम टू दैट आर ए नाइस हैंड टेक्स दैट वन डाउन पनिश कर दिया आर ने बिग ब्लाइंड की स्क्वीज को. सो यहां मैं कह ही रहा था कि लाइक सम पीपल कॉल द टर्न विद एस किंग फॉर श्योर सो ऑन दिस रिवर like yahan pe tumhe bluff karni hai right if you want to value bet the river which you did you need to have some bluffs so yahan pe kaun kya bluffs honge tumhare paas like I think some jack x's can make sense but yeah maybe some jack x's and then ace of club x combinations you know so I can see some ace of club combinations being bluffed but ye itni low frequency line hai ki it's very tough to be balanced there so I get it pocket queens to theek hai jacks to theek hai but yahan pe bluffs mein keh raha tha ki kya hai aur mere ko laga ki ace jo ace of club wale combo hain
वो इतने टफ हैं टू फाइंड दैट पीपल विल अंडर ब्लफ यू नो दैट इज व्हाट माय पॉइंट वाज सो आई थिंक वी आर बोथ ऑन द सेम अपन दोनों का थॉट सेम ही है कि अच्छा हाँ यहाँ पे लोग अंडर ब्लफ करेंगे बट आई डू थिंक यहाँ पे कुछ ब्लफ्स होने चाहिए विद द एस ऑफ क्लब वरना और ब्लफ्स होंगे क्या लाइक व्हेन यू ब्लफ यू वांट टू बी ब्लॉकिंग माय कॉलिंग रेंज और माय वैल्यू रेंज व्हिच इज गोना बी फ्लशेस एंड बोर्ड्स सो जैक एक्स एंड एस ऑफ क्लब मेक सेंस सो या दिस वाज दैट पेन बट इट सेज डोंट जैम एस क्वीन देयर ईदर 9-9 is probably the bottom of the range. Yes. Nut flush is though. Nut 9 is bottom nahi hai. Maybe Arin says that is. I think wahan pe kuch nut flushes raise karne zaruri hai. Sumit says, just a bad river, I would call 15% bet of pot anyways. Ace is a tough river. Ace is a tough river, vampire. But I would not raise on from out of position. Three five is gonna be a fold. Yeah, but ek do bade pots hue. Let's see what has happened. 8-3. Wow. Aaron, kya equity wale flop kar raha hai. 8-3 of hearts. Ke saath ye flop is very beautiful. Bets the turn. Kya? It's a call and river pe. Uska 3 is good. Nice. Boom, what a river. So, एक ये हैंड था ये 40 बिग ब्लाइंड का एक पॉट हुआ यहाँ पे व्हाट हैज हैपेंड लेट्स सी आर इन 3.5 एक्सेस ओके इसने मिन क्लिक रेस किया विद पॉकेट फोर्स आर इन नाउ बेट्स द टर्न विद पॉकेट थ्रीज हैं ये क्या हुआ और 3.5x रेस पे सागर पीपल स्मॉल ब्लाइंड से कॉल क्या कर रहा है वो आप बहुत बढ़िया सो एक ये पॉट हुआ और ये सबसे अच्छा पॉट जिसमें हमारे पास भी एक अच्छा हैंड था जिससे हम फ्लॉप नहीं दे पाए सो आर इन 3.5x वी कॉल द स्मॉल ब्लाइंड ये हैंड को 3-bet फोल्ड करना विल सक सो वी कॉल स्मॉल बिग ब्लाइंड स्क्वीजेस टू 14.5 एंड आर इन 4-bets Oh, I like that. Sizing is seems good. And थोड़ी और छोटी जा सकते हैं but this is fine. Like SPR 1 है you, basically 10% is also okay. I don't think it makes much of a difference. Bets and big blind folds. Excellent hand, I believe. 4-7 off यहाँ पे 35 bigs आपके पास Versus small c-bet, I'm gonna raise. We have. Do I wanna raise it? I think I'm gonna raise, guys. अपने पास bottom like 3x के against we have 6 outs and versus 5x we have 3 outs. और we of course have the nut out with the 6. So 4 nut out हैं. उसके बाद backdoor clubs. काफी एक्विटी है यहाँ पे सो आई थिंक चेक रेजिंग इज ओके फर्न बेट्स बिग देन इट्स अ लिटिल ट्रिकी 20 बिग्स ब्लाइंड्स पे वी कैन जस्ट जैम आई गेस एवरीथिंग इज वेरी क्लोज यू नो आई थिंक कॉल से ज्यादा पैसा प्रॉब्ली रेज बनाएगा बिकॉज इफ व्हेन वी रेज वी कैन गेट सम किंग हाइज सम क्वीन हाइज टू फोल्ड बट 10 हाई के साथ
it's always better to get try and get some better hands to fold, you know. अपने को पता नहीं है कि वो fold करेंगे कि नहीं, but at least call से तो पक्का है कि वो queen high king high turn देखेंगे, right? If we call queen highs and king highs, we'll see the turn, but if we raise, they might not. Call this off. Enough dead money hai. Big blind ko ye banda kafi wide attack kar raha hoga. So ace king is gonna have enough equity versus his opening range, and then also probably is getting it in range. Ab isko apan itna abhi 3 bet kar diya that he likely is gonna have enough and just like be willing to stack off with a hand like king jack suited and stuff. Maybe king 9 off. Yeah, see, so he now calls, you know. This board pe, I don't think, yeah, this makes life easy for us. Okay, now, the times where we don't improve our equity, so matlab maan lo agar hamare paas pre-flop 55% equity hai versus his range, the 40% of the time we don't improve, those are the times we get to fold. So we got two hands apan paisa andar dalwa paye, two worst hands ke se humne paisa dalwaya, and when both of them outflopped us, we get to fold, you know. So this again worked out very well for us. Ace-8 is gonna, it's close, gonna open. So I think fairly easy spot is samajhne ke liye, given we have the best hand, we tried to get the max money in, but the times, jaise agar in hands ke against apne paas maan lo cumulatively 35-40% equity hai, the times where we don't improve or we don't flop that equity, then we get to fold, you know. And iske donk ki wajah se life becomes easy, because now you just told, okay, this is the time where I have flopped a lot of equity and you can just fold. So I can now be just playing my hand to its merit. Ace-8 ke saath, we open, get this flop, I think. Probably just jam karna is gonna be fine, you know. Or let's actually bet 62.5 and call it off. Some pair plus straight draws, maybe some flush draws would just be willing to get it in. Dono cheeze kar sakte hain, because bounty we can also jam, because I don't see people folding a 7x on this flop. No one is folding diamonds for sure. So jam also has merits, but maybe versus these size people can make more mistakes. Not 100% sure. It all depends on what you feel both of these guys are doing. I think heads up, I might just jam. Multiway, bet small, try and give them room to spaz or something. Oh, I'm not trying to flex, guys. Thoda stretch kar raha hu. Alright, so it's break. I'm gonna be back in a couple of minutes.
been all around the globe trying to protect your soul. Harin says, come on, need this milestone, please. Me too, yaar, mere to pehle bullet ke inhone aadha stack kha liya hai, to mere ko to sak zarurat hai, guys. Can I please win this milestone? Rahe na rahe ye karwa. Please let me win the Sunday special. Main last time bhi jeeta tha, to aap shayad... It's very likely ki main nahi jeetunga, but... No harm in trying. भगवान से मांग सकते हो, right? भगवान दे ना दे, अलग बात है. And says, sorry, no need to defend equity against random overcards on the turn. Bhai, random overcards on the turn, how do you know ki... Pehli cheez, jo bhi random overcards on the turn yahan pe hain, wo matlab kaise hain? Those are hands like king, queen, ace-10, naked clubs, you know. Do you think ace-10 is folding for like 7 bigs? Agar club hai, to do you think king-queen is folding? Wo bhi do logo se, you know. I don't think you will ever generate enough folds on a board like this. वो अपना A6 नहीं fold कर रहा. अब तुम सोच लो. जब वो A6 नहीं fold कर रहा तो king queen क्यों करेगा? अगर उसके पास गलती से club है तब तो कभी नहीं करेगा. You know, because गटी है, overs है, nines, probably raise. So जब एक बंदा नहीं कर रहा, दूसरा अंदर pocket folds नहीं कर रहा है. So neither like any pair is not folding. And overs is definitely not folding. Ab ha, you can get hands like ace 5 of hearts to fold. You know, agar dono ke paas hai ace 5 of hearts, ace 5 of diamonds, to sure you will get two folds. But wo hands are anyway, agar unka pair lag bhi gaya river pe, they're not gonna like bluff you off the pot, you know. So I don't think karna uta zaruri hai. 7-4 jack pe, I'm gonna start with a bet. When we have a diamond, we can check back because calling some turn leads is easy. He calls, could have hands like king jack, queen jack. Likely gonna have a very 7x heavy range. So I'm gonna check back the turn and try and bluff catch rivers. Pretty good river. Pretty good river ki versus this is actually utti achhi river nahi hai, you know, because iske jo hands hai 7x wale wo 7-8 6-7 suited hai jinke 6 combo hai and some 5-6 ho sakta. Wow, this is close. Might fold. This might be a call as well. Maybe with a diamond. This is what we might prefer diamond. Kyunki iski basically when he rips the river, he's not ripping a jack. I think a call tha. But time bank kam hai, toh main call kar nahi paya. Or I couldn't come to an answer. But this seems like a call. When he jams the river, he's basically saying he has a straight or a flush.
And I think flushes likely raise. A lot of flushes are gonna be hands where he has an overcard to the flop with a flush draw, and those hands likely fast play the flop. So on this river, he's basically repping 5, 6, 8, 9, which we block. I think he bad fold hai, yahan pe call thi. I think that's 2.5x pot jam bhi. It's okay, it's whatever. We have some better hands to call there. Six suited mein apan karenge check. Tribal Light says aapki bhasha mein ram 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 bhai. Ram ram jai juhar ram ram sat sri akal bhai namaste. Apne ko yahan pe chahiye ek double up abhi. Chakkar double up ka hai. Try and limp. Check check check, mic unmuted hai na, sahi. Arre usko kyun bhaga diya table se? Abe yaar. Chip leader apne right mein, this is such a great spot. Usko hata ke diya table se, damn. Ram Ram bhai, Tribal Light. King 5. Wow. Okay, Queen Jack off. Easy raise. Okay, I guess yahan pe we have to fold. Yaar nu to bluff karta nahi hai yaar. Plus Aran ko pata hai ye banda bhi zyada fold karne nahi wala hai. But it's close though, kyunki if I get the money now, to likely hai ki Sagar won't fold as well. So ye cheez mere liye acha hai ki triple up ka mauka hai. But kya we have enough equity versus Aran's 3 betting range? I don't think so. Maybe suited hand hoga to we could do something. Offsuit combos ki equity is just not that great. I don't know, this could be a close jam, you know. Agar, if we think he, when we jam, this guy is never folding, then dynamic shayad thode change ho sakta hai. Milestone kahan chala gaya? Milestone mil gaya kya kisi ko? Milestone has been awarded on table 10. I don't know, 5 players have each one of. अरे यार कौन है टेबल टेन पे भाई, हम क्यों नहीं थे? डैम डैम हो गया अपने साथ गाइस, किसी और को मिल गया. ओप्स ओप्स हो गया मेरे साथ. Abhi 20 bigs and we can gamble and rebuy, get a new stack. I think it's okay. Yahan pe PSQ events mein actually gamble karne ka utta point hai nahi, because for every new entry there price pool chhota ho jata, you know, because when someone busts you, wo aapki bounty le jata hai price pool se bahar. So I think is event mein utta short stack gamble karne ke merits shayad kam hai. Azak is a very easy jam.
अरे सालो अब पूरी टेबल फोल्ड, मुझे लगा कोई पक्का है कि कोई एक कॉल तो आ रही है, हो सकता है मल्टीपल भी आ जाए, बट अनरियल. निट्स एवरीवन इज अ निट. अरे सालो एक्शन दे दो विद जैक्सन. आई डोंट नो, आई विल टेक अ वॉक. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है टू गेट अ वॉक. क्लिक क्लिक अ सॉर ओ सेवन. चलो दिस इज गोना बी अ जैम फॉर श्योर. एस्ट एंड द नट्स है. आई डोंट नो इस बंदे के इस नट्स है कि नहीं, बट 20 पिक्स से मेरे से एस 10 नहीं फोल्ड होता, एस 10 नहीं फोल्ड हो पाएगा. अब बॉय अब तो और अच्छा हो गया है. आई थिंक गाइज आई एम गोना डू समथिंग क्रेजी, गोना मेक अ स्मॉल 3 बेट एंड देन कॉल इट ऑफ. इस फ्लॉप पे वी आर जस्ट गोना बेट. फिफ्टीन% बेट करके कॉल ऑफ करेंगे. वी स्टिल बीट हैंड्स लाइक किंग 10, किंग जैक. बॉय व्हाट अ टर्न. Fuck off. 80% on the turn and boom. कितना प्यारा स्पॉट था गाइस. यहाँ पे अपन 50 बिग्स पे होते कुछ अच्छा. ओ बॉय स्नैप कॉल आ गई. सागर मेरी बाउंड्री के पीछे अपना स्टैक उड़ा गए क्या. लेट्स सी. ओह भाई किंग्स तो नट्स हैं. सिक बच गया था स्ट्रेट अवे. जैम्स किंग्स वेरी वेरी नाइस मूव. उंदुर बेचारा इस फायरिंग में उंदुर का स्टैक उड़ गया. ही वाज लाइक यार सागर पीपल पक्का मस्ती कर रहा है एंड शरद की भी बाउंटी आ जाएगी. तो उसने दबा दिया कॉल पॉकेट फोर से 40 बिग ब्लाइंड के जाम के ऊपर. देन ही गेट्स शोन द बैड न्यूज. उंदुर मेरे से भी आ रहा था. पुअर गाय. ब्रिलियंट हैंड खेल लिया सागर पुपुल ने. मेरे पे ए सिक्स होता आई वाज इन फोल्डिंग. गोना जैम द जैक टेन. कॉल. हाय हाय सब लेट है भाई यहाँ पे सब लेट है. दो बार जाम के अपन ने 20-20 बिग्स का कॉल लिया है. कैसे हो सकता है. वो भी यूटीजी यू नो पूरी टेबल बाकी हद. आर एन फाइटिंग फॉर उंदुर्स बाउंटी. ओ भाई उसने 2x स्पॉट जाम कर दिया. क्रेजी ये टेबल अलग क्रेजी है. ओह दिस इज अ प्रीटी हैंड.
अरे यार एक्शन क्या मजाक है कम ऑन थैंक यू दिस इज गुड King 8, nice. Hari, nahi, not nice. I'm sorry, not nice. No! Satyanash. Koshish ki, guys. Apan ne koshish ki, but... Arjun, welcome. Welcome, 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 Arjun. Good luck. Have fun. Pledge देख के मेरे दिल को खुशी मिलते हुए. Arjun, what do you think about Mayank's knock today? How fucking good was he? Arjun says sorry. How does your chat box show the action occurred in hand? My chat box doesn't show that. ये आरन मैं मैसेज करता हूँ ये सेटिंग्स से कुछ चेंज करना होता है I'll have to figure it out I'll मैसेज बड़ी प्लीज फेसबुक पे पूछना बाद में It's somewhere something to do with let me see if I can किसी और को भी शायद ये क्वेश्चन होगा let me see table appearance chat और उसमें डीलर मैसेज में जाके सिलेक्ट एवरीथिंग दैट्स हाउ यू डू इट I'll repeat that once again. किसने mix किया हो तो settings, table appearance, chat. वहाँ पे dealer messages में select everything. अभी शायद हो सकता है normal या silent selected हो. आज Mayank Agarwal ने क्या तोड़ा है guys, right? मैं इनिंग्स तो नहीं देख पाया बट मैंने ESPN पे स्कोर देखा था ऐसी तैसी कर दी बंदे ने इंडिया 493 फॉर 6 शायद 10 बॉल 25 जडेजा 76 बॉल 60 ओह वाओ Mayank Agarwal 330 बॉल्स में 243 8 छक्के 28 चौके फक सो सिक सो सिक 8 मैच में 3 सेंचुरीज 2 डबल सेंचुरी फकिंग इनसेन ओह बैट स्पॉट गेट्स द कॉल वाओ शक्तिमान सीम्स लाइक अ स्पॉट ऑन दिस टेबल लेट्स सी व्हाट हैपेंड फैंटम लैंसर लिम्स ओके Ballistic says, sorry streaming, Arjun, yes. But मैं chat नहीं कर सकता यार, damn. कैसे बताऊँ मैं Ballistic को कि मैं stream कर रहा हूँ? Arjun, I am bro, but I can't comment on chat, मेरी chat banned है. But please, Arjun, subscribe कर दो, subscribe नहीं, follow दबा दो. So that when I'm live, you at least get notified, you know. That is the best way to know when I'm live. But apna schedule is a fixed day. Tuesday, Thursday, and Friday, 7:30. 7 or 7:30 is when we go live, you know. So
उस शेड्यूल में यूजली कोई चेंज नहीं होता. किंग नाइन वर्सेस एस सेवन, शक्तिमान इज लाइकली अ स्पॉट ऑन दिस टेबल. इसके ओह यार यहाँ पे दो बाउंटीज अप फॉर ग्रैब्स है. दिस इज अ बैड फोल्ड. आई शुड हैव ओपन मास्टर सैम और आई ऑलवेज हैव इट की बाउंटीज इन प्ले, यू नो. सो इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकते हैं यहाँ पे. बैड फोल्ड विद क्वीन थ्री, शुड हैव ओपनड और समथिंग. बट एक्विटी कुछ पिक नहीं करते, सो पैसा बच गया यहाँ पे. सिक्स मैक्स बहुत अच्छा है. सिक्स मैक्स इज फास्ट पेस्ड एक्शन. तो यहाँ पे वी गेटिंग टू लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्पॉट्स. अभी 30 मिनट्स में देयर इज अ 1656 मैक्स, जो काफी इंटरेस्टिंग होंगे. Queen 4, wow. Oh, bhai, ye hand se to main call kar sakta hu, wow. Jam kar de, I always have it. Yaar. Bahut achi table, वैसे मुझे इस table पे ज़्यादा gamble नहीं करना चाहिए because my position is pretty good. You know, I have direct position on two weak players. Very bad flop for 8-9, easy 4. I think your fold sahi hai, even though big blind is super short. Do 6 yaar is just too wide. Travel Night says you may also be streaming at paint provider. Do you want Arun to be streaming as well? Bach gaye bhai, mera to aaj kuch lag hi nahi raha hai. Kiske paas flush hai batao? Bet karo and take it down. मास्टर साम कह रहे हैं उसके पास नहीं है, अर्जुन कह रहे हैं उसके पास नहीं है, फैंटम कह रहे हैं उसके पास है, बट छोटा फ्लश है. ओके ये क्या है यार, ये कैसा लिंप है. अ फोल्ड. ये काफी लिम जाम मारेगा. ओए, व्हाट अ स्पॉट फॉर फैंटम. डबल बाउंटी स्पॉट. अर्जुन कैन ऑल्सो री जाम वेरी लाइट यार. बहुत कम एक्विटी चाहिए स्पॉट में. नाइस, आई लाइक दैट री रेस. आई ऑलवेज हैव इट निकल गया. नाउ दिस बिकम्स अ लिटिल चैम्स. फैंटम पुट्स अर्जुन ऑल. फैंटम बहुत टाइट हो गए यहाँ पे एक्चुअली. Yeah, Phantom is gonna be very tight. Gets the double bounty. That's what happens. Yahan pe bounty ki wajah se very interesting dynamics shuru ho jaate hain. And I'm gonna increase my raise size because शॉर्ट स्टैक बटन पे है, दैट इज पॉइंट वन. और बिग ब्लाइंड के साथ मुझे बड़े पॉट्स खेलने हैं इन पोजिशन. चलो एवरी वन फोल्ड्स, दिस इज नॉट दैट बैड ऑफ एन आउटकम. Easy fold with the deuce 5.
left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And अरे बड़ा पॉट हो गया यार. कौन है थ्री जैब? ये बंदा आई डोंट थिंक इज अ रेग. सो अगर रेग नहीं है तो उतना वाइड कॉल नहीं करेगा, एंड ही वोंट नो कि हाउ वाइड आई एम थ्री जैब. इफ ही कॉल्स इज बैड न्यूज, इट्स गोना बी बैड न्यूज. ही सोच रहा है बंदा, एटलीस्ट चलो सोच रहा है व्हेन ही कॉल्स वी विल हैव decent equity. Eight queen laga de. Yes, there's a queen. Oh, ace hai uske. We are ahead. Old. Yes. Nice. Bounty and fucking full double up. Beautiful. Boom ho gaya guys. Yahan pe I'm gonna fold. 3-6 is just too wide. मैं तो उसकी बाउंड्री के लिए जाम किया था, ये सोचा था ये बंदा लाइकली वीकर प्लेयर होगा, ही विल फोल्ड, बट उसने दे दी भाई ने कॉल. वी हैड 30, चलो 30% इज नॉट दैट बैड. ए सिक्स से तो ज़्यादा इक्विटी है यू नो क्वीन फाइव की, विच इज डिसेंट. व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लॉप. 1000 रुपये अपने वापस है. नाइस. आजा जीकी, जीकी आजा 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 आजा. अरे यार जीकी, कम ऑन. फैंटम के अगेंस्ट आई एम गोइंग टू एक्चुअली बेट दिस. अराजन वेलकम सेज सॉरी जस्ट जॉइंड, हाउ इज द एक्शन गोइंग. सेकंड बुलेट, यस अराजन सेकंड बुलेट पे हूँ. साइप्लस इज बूम शंकर, अराजन सेकंड बुलेट पे हूँ एंड अपन चिल मार रहे. फर्स्ट बुलेट एक्चुअली उतनी बुरी नहीं गई, वी गॉट रिवर्ड इन अ वेरी बिग पॉट, बट वाजंट दैट बैड. Saflop says, oh, booty hunter. Gonna fold. 9 या 8 होता flop पे तो कुछ कर सकते हैं, but ये just could be drawing dead as well, you know, so it's better to just fold. यार उसे कुछ लगा दो ace king का, damn. बच गए, bounty मिलती नहीं, free flop jam भी करते हैं. तो hard luck to you, welcome. Show us how you roll. 100-200. नहीं 100-200 नहीं कर सकते स्ट्रेंग. किंग गेट. और कॉल 100-200 नहीं कर पाऊंगा ब्रो. That is asking too much. Saflops, क्या चल रहा है bro? Are you playing? How is it going today? Saflops is boom Shankar. Olan के against I'm going to lem the deuce three.
kitni chhoti size I can call, especially when there's a bounding play. Gonna check. Queen Jack is interesting. यहाँ पे साइज काफी बड़ा जाने वाला हूँ, ये बंदे फोल्ड करने नहीं वाले हैं। ये बंदे फोल्ड करने नहीं आए यहाँ पे, सो अगर वो फोल्ड नहीं कर रहे हैं तो might as well just punish them by sizing up big. This flop, guys, I'm actually gonna just jam. Kabhi kabhi jam kar sakte hain, and this bande ke against I think जाम करूं कि पॉट कर दूं? आई थिंक जाम इज ओके. ओए ओए भाई, मेरा वैल्यू जाम था गाइस, आई स्वेयर आई वाज इन ब्लफिंग. व्हाट अ सिक हैंड, नाइस हैंड ब्रो. वाओ वाओ व्हाट वाओ व्हाट ओ पेन भैंस की आंख गाइस, ये क्या हुआ? I actually randomized for like 20% jam, वरना I was gonna bet big 65% ish. But ये क्या हुआ? Boy, इससे बुरा मैं कभी ऑन नहीं हुआ गाइस. इससे बुरा मैं कभी ओन नहीं हुआ लाइफ में, आई स्वेयर. इससे ज्यादा मैं कभी भी ओन नहीं हुआ. ओके, आई एम नॉट गोना फायर द थर्ड बुलेट गाइस. प्राइस बाउंटी बिल्डर में 1.5 घंटे बाद 150 लोग एंटर, 90 लोग बचे, 60 लोगों का प्राइस पूल कम हो चुका है. सो not gonna fight for a reduced price pool by firing more bullets. And I know I'm getting 40, 45 big blinds right now, but this price pool mein I'm not gonna do it. What a hand guys, isse bura main kabhi life mein own hua hu kya? Ek bar aur dekhte hain. What a beautiful hand, Shaktiman, nice hand. Agar is orange stack se main aisi umeed nahi karta, this is amazing. I swear mera value jam. Do you think I'm bluffing with jacks? क्योंकि मैं उसकी रेंज में क्वींस प्लस कभी दे ही नहीं रहा हूँ. वाओ दिस इज अमेजिंग, व्हाट अ नाइस हैंड शक्तिमान. ओके गाइस, आज के लिए इतना ही. आज मैं आज की कहानी इतनी ही रहेगी. दिस इज ऑल शी रोड. And we'll be back. By the way guys, good news, अपने मेरे पास एक चीज़ ये है कि next week there's gonna be a lot of cool stuff happening. We are gonna have a home game and उसका मैं announcement अपने Facebook page पे करूँगा. So if you haven't liked my Facebook page, please do. मैं एक बार link chat में डाल देता हूँ. एंड यहाँ पे अगले होम गेम का अनाउंसमेंट होगा. सो इफ यू हैवंट लाइक इट येट, प्लीज डू, बिकॉज
अगर यहाँ पे नहीं हो तो यू माइट मिस दैट. मैं लेट मी पुट दैट लिंक. ओके देयर वी गो. चलो गाइस दिस इज इट. दिस इज ऑल शी रोड. अपन ने एटलीस्ट 1000 रुपए की वापसी वो क्वीन से क्वीन लगा के करी. स्ट्रीम देखेगी, स्ट्रीम सोचेगी कि सॉरी ट्रैप कर रहा था कि सॉरी ट्रैप हो गया अंदर. और गॉड बेट. All right guys, that's it. I'm gonna meet all of you on Tuesday. Please Facebook page like kar dena kyunki Tuesday ko shayad home game ho sakta hai. There are gonna be some changes, but home games are gonna happen next week for sure and there will be a lot of giveaways. So you wouldn't wanna miss those. And main aap logo se milta hu Tuesday. All the best. Weekend aa raha hai. Bade tournaments honge. Focus hoke khelo aur mota paisa chhapo. एंड अगर नहीं खेल रहे हो तो थोड़ा रेस्ट पी लो. मेक श्योर यू आर नॉट ओवर एग्जर्टिंग योर सेल्फ. लाइफ में पैसा कमाना है बट हेल्थ की कॉस्ट पे नहीं कमाना है. सो ट्राई एंड बैलेंस थिंग्स आउट एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ प्रोडक्टिव वीकेंड गाइस. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. बाय.